शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अनुराधा जी, माँ जी, पार्टी ऑफिस से आ रही हूँ। जी, ऑफिस में काफी काम रहा होगा। जी, वो कुछ फाइल्स और टेंडर काम कर रही थी या यशवंत के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? घर की इज्जत बाजार में बेच के आई है ये? तभी मैं कहूँ, इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ क्यों दिया? ऐसी हरकतें तो तुम लोगों के खून में। माँ जी, चुप कर। एक तो अपना मुंह काला करके आई, ऊपर से जबान लड़ाती है। दिखा दिया तूने अपना असली करेक्टर। कितना बड़ा विश्वासघात किया तूने हमारे और विवेक के साथ, जो इतने दिनों से जेल में पड़ा है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। झुक गई उस कुत्ते यशवंत के सामने। ठीक कहा आपने कि मैं किसी के सामने झुकी? उसी इंसान के सामने जब आप लोग मतलब के लिए झुकी तो ठीक था। अगर मैं अपनी ही खुशी के लिए झुकी हूँ तो आपकी इज्जत पर पड़ता गया। आज इस घर में कैरेक्टर और विश्वासघात की बातें हो रही हैं। अरे विश्वासघात तो मेरे साथ हुआ जब मैंने देखा कि शादी के बाद भी विवेक ने अपनी रखेलों को छोड़ा नहीं, चाहे वो घर में हो या जेल में। आज मेरे कैरेक्टर की वजह से आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। माँ जी, आप लोगों की दुआ से अब कुछ वक्त मुझे भी राजनीति में हो गया है। जिस दिन मुझे पता चला कि आपके पति यानी कि मेरे ससुर ने 10 साल से पूना में एक रखेल पाल रखी है, जिसके वो 3 अबॉर्शंस भी करा चुके हैं, उस दिन से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। माँ जी, लगता है ऐसी हरकतें आपके खून में हैं, मेरे खून में नहीं। ताली उल्टा निकल ना। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। मैं सरकारी फ्लैट में जा रही हूँ। शिरके। जी मैडम। जब तक मैं अपना सामान न ले आऊं यहीं खड़े रहना। जी। इन लोगों का भरोसा नहीं, पता चला किचन में ले जाकर जला दिया और कल खबर ये छपी कि एक्सीडेंट था। माँ जी, अच्छी परिभाषा है आपके पतिव्रता की, मर चाहे लाख गुना करे उसे कोई सजा नहीं, लेकिन औरत अपनी खुशी के लिए एक भी कदम उठाए तो उसे कुलटा और कुलच्छनी कहा जाता है। वाह, यशवंत, जिंदगी मानो एक बंद कमरे में बीत रही थी। आज बहुत अरसे के बाद ऐसे लग रहा है कि खुली हवा में सांस ले रही हूं। अनु, मुझे लगता है कि तुमने जो भी किया है ठीक किया है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि इंसान को किसी के सहारे के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मैं और बेग मिलकर एक साझा सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हराम साजिश। चलो, सब कुछ लगभग तय हो चुका है। कुछ ही दिनों में हम गवर्नर साहब के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव ले जाएंगे। अनु, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी पोस्ट चाहिए? यशवंत, सरकार बनाने के लिए कल फार्म हाउस पे वो सब करना जरूरी था क्या?
अनु, करना पड़ता है, लोगों को खुश रखना पड़ता है। We have to entertain them. Entertain? कल वहां पर 18 और 19 साल की लड़कियां थी। देखा जाए तो एक तरीके से हम वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। It was sheer prostitution. देखो अनुराधा, हमने ने रोका लेकिन ये माने नहीं सर। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। जी सो चुके हो या मेरे जाने के बाद सोओगे? विवेक, साले हरामखोर धोखेबाज, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, और तू साली उल्टा बचलान। विवेक छोड़ो उसे। मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। तुमने मुझसे मेरी औकात पूछी थी ना, आज मैं तुम्हें अपनी औकात बताती हूँ। I am a sitting MLA. पुलिस स्टेशन में मेरे एक फोन कॉल करने पर तुम्हारी बेल कैंसिल हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को। इरवानी साहब, ये तलाक मुझे जल्द से जल्द चाहिए। Make it fast. I will try my level best. चौहान साहब, पार्टी ऑफिस से फोन है। हाँ बोले देसाई। पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग? एक घंटे में? ऐसा क्या हो गया? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हो बाबा? पता नहीं, पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग है, एक घंटे में। मैं भी चलता हूं। जान सकता हूं इतने शॉर्ट नोटिस पे पार्टी की ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? बात यह है कि हमारी पार्टी ने और पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का फैसला किया है। और अजी छोड़िए, आप क्या बताएंगे, मैं खुलकर बताता हूं। पाशा, गायकवाड़ और फालके की पार्टियां हमारे साथ आ गई हैं। इसके अलावा तकरीबन 20 ना 21 किस देशमुख? हाँ, तकरीबन 21 इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ आने के लिए राजी हो गए हैं। उनके सपोर्ट्स के लेटर्स पहुंच चुके हैं। अनुराधा और उसका ग्रुप भी हमारे साथ है। अब हम सब मिलकर भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और अब आप बताइए, आप और आपके लोग हमारे साथ हैं या नहीं? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जान सकता हूं चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? हाई कमान की मंशा यही है कि सीएम यशवंत या बेग सामिस को एक बनेगा। अन्ना साहब, इन लोगों के तलवे चाटने से तो बेहतर है कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा या फिर अपने सपोर्टर्स को लेकर के अपोजिशन में बैठूंगा। बेहतर है, सरकार तो हम फिर भी आसानी से बना लेंगे। क्यों यशवंत? तो यशवंत, ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानों का। माफ कीजिए चौहान साहब, लेकिन आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किए, मैं आपकी जरूरत था। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेवर इन पॉलिटिक्स। तू जाके गाड़ी में बैठ।
तो दिखा दी तूने अपनी असलियत। मिस्टर चौहान, आपका बेटा तो मुझसे तलाक मांग चुका है, अब मैं आपकी बहू नहीं रही। मैंने तो अपनी असलियत पहचान ली है, अब आप अपनी औकात पहचाने। आप खत्म हो चुके हैं। The Johans are finished.